नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल से रिलेटेड इन स्प्रिंग बूट में। ओके, एक्सेल से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं उन सारे को मैं कवर करूंगा आने वाले अपकमिंग वीडियोज में। इस वीडियो हम जानेंगे कि हमारे पास डाटाबेस में कुछ डाटा अवेलेबल है, उसको हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे इन एक्सेल में, इसके बारे में बिट प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। मीनिंग क्या होगा, जो डाटा हमारे डीबी में उसको हम एक्सेल में कन्वर्ट करवाएंगे कैसे, तो चलिए इस चीज को हम एक्सप्लोर करते हैं बिट प्रैक्टिकली। तो इसके लिए सबसे पहले क्या काम करें, एक प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम फाइल पे आएंगे, हमने एसटीएस में अभी है, और यहाँ से सिंपली फाइल पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से न्यू पे आएंगे, और न्यू पे आने पर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट है इसको हम सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, हमारा सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी यहाँ पर है, और यहाँ पर जो अपना प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे सिंपली यहाँ लिखेंगे, प्रोजेक्ट हमारा नाम रहेगा एक्सेल एक्सपोर्ट, हमने सिंपली इस प्रोजेक्ट का हम यहाँ पर नेम दे दी। टाइप हमारा मेबन रहेगा, पैकेजिंग जार लेंगे, जावा वर्जन 17 यूज कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से हमारा ये पैकेज नेम भी हमने ये दे दिया। ओके, करेक्ट है, यहाँ पर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक के बाद जो हमारा पहला प्रोजेक्ट रहेगा स्प्रिंग बूट वर्जन का 3.34 हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ से हम लैम्बो को सिलेक्ट कर लेंगे, जेपीओ को सिलेक्ट कर लेंगे, MySQL ड्राइवर को, वेब को भी सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से डेव टूल को। ये टोटल हम 5 डिपेंडेंसीज को कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं मिला तो इसके सिंपली अब यहाँ पर नेम सर्च कर भी करके यहाँ से इसको ले सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ लैम्बो जेपी डाटा, तो यहाँ पर ये 5 इन 5 को ले लिया, और यहाँ से इसको हम सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम यूज यहाँ पर करने वाले हैं एक्सेल। एक्सेल एक थर्ड पार्टी रिलेटेड एपीआई है, वो जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलता, इसका डिपेंडेंसी आपको इंटरनेट से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको सबसे पहले जानते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे OOXGML Maven डिपेंडेंसी, OOXGML Maven डिपेंडेंसी, इसको सिंपली करेंगे, और यहाँ जो MavenRepository.com है इसको सिंपली इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे। ओके, और यहाँ से हमारा ये करेंट वर्जन जो है 5.3.0 है, तो इस पर्टिकुलर वर्जन पे हम आएंगे, और यहाँ से डिपेंडेंसीज को हम सिंपली निकालेंगे, ये जो डिपेंडेंसी है इसको, तो यहाँ से को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, देन जो हमारा ये प्रोजेक्ट अभी न्यू है एक्सेल एक्सपोर्ट पर क्रिएट हुआ, इसको हम सिंपली एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से form.xml को ओपन करेंगे, इस form.xml के अंदर हम डिपेंडेंसीज टैग है उसके अंदर इसको हम सिंपली पुट कर देंगे, ये जो डिपेंडेंसी टैग है इसके अंदर सिंपली पुट कर देंगे। तो ये क्या काम करेगा, एक्सेल रिलेटेड जितने भी हमारा चाहिए एपीआई वो सारे अपने को यहाँ पर मिल जाएगा इसी डिपेंडेंसीज के अंदर, ही अपाचे पोई के अंदर हमारा डिफाइंड है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एफ इसको फॉर्मेट कर लेंगे, कंट्रोल एस इसको सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग स्टार्ट हो गया, मतलब उसकी रिक्वायर्ड जितनी भी डिपेंडेंसीज था वो हमारा यहाँ से डाउनलोड हो गया। ओके, अब हम चलने वाले सबसे पहले एक एंटिटी को क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम स्टार्टिंग से एवरीथिंग में यहाँ पर कवर करने वाले हो, तो यहाँ से SRC सबसे पहले हमें क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर आकर हम जितने भी MySQL रिलेटेड प्रॉपर्टीज है इन सारे को हम यहाँ से दे देते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन हमारा नेम हमारा ये प्रैक्टिस है, तो इसको यहाँ से हम प्रैक्टिस को हटाते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि सर्वर डॉट पोर्ट हमारा क्या है, जो ये भी हमारा पोर्ट नंबर है, ये हमारा पोर्ट नंबर ही आना चाहिए। जो हमारा डाटाबेस की URL हमने यहाँ पर सिंपली URL दे दिया। ओके, अभी इसके लिए इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसे होल स्क्रीन पे अपने को दिखाई दे। देन यहाँ से आप देखिए लोकल होस्ट में डाल दिया, हमारा जो हम यूज कर रहे हैं डाटाबेस वो हमारा एक्सेल है। ओके, हम पता करते हैं कैसे डाटाबेस क्रिएट करती है, आपको ऑलरेडी पता होगा, तो हम देखिए यहाँ पर SQL यूज किया दिखाता हूँ कि हमारा डाटाबेस का नाम यहाँ पर एक्सेल है, इसके अंदर भी सिंपल एक फॉर्मेट टेबल है। ओके, देन यहाँ से हमारा यूजर नेम रूट है, पासवर्ड root1234 है, SQL शो हम ट्रू कर दिए, प्लेटफॉर्म हम दे दिया MySQL 8 डायलेक्ट यूज कर दिया, और DDL ऑटो हमने अपडेट कर दिया। इससे क्या होगा, अगर टेबल ऑलरेडी क्रिएट नहीं होती तो न्यू टेबल को क्रिएट कर देगा। तो ये हमारा इतना प्रॉपर्टीज रिलेटेड था। अब सबसे पहले हम एक एंटिटीज को यहाँ से क्रिएट करते हैं, तो SRC मेन जावा करने का, और ये हमारा मेन पैकेज है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। ओके, राइट क्लिक करने के बाद हम सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे, और क्लास पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम एक एंटिटी क्रिएट करेंगे, जिस एंटिटी का नाम हम सिंपली स्टूडेंट दे देंगे, और यहाँ से उसको पैकेज रखेंगे उसका नाम हम सिंपली दे देंगे एंटिटी। ओके, ये हमारा स्टूडेंट पर्टिकुलर पैकेज हो गया। इसके अंदर जो हम प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाले हैं उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, तो लॉन्ग सिंपली यहाँ से हम ID लेते हैं, देन यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट, और इसके अंदर हम देते हैं स्ट्रिंग, और इसके अंदर सिंपली हम नेम को यूज करते हैं, देन यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट, और यहाँ पर भी अगेन ले लेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर एक पास कर देंगे ब्रांच, देन यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर एक हम जो वेरिएबल लेंगे उसे हम सिंपली देंगे कॉलेज, देन यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट, और यहाँ पर सिंपली हम यूज करते हैं डबल एज ए फीस के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये फीस हो गया, और यहाँ पर स्ट्रिंग का ST रहेगा जब वो स्मॉल रहेगा। इतना अपने को काम कर दिया। इस पर्टिकुलर एंटिटी
को एज एंटिटी मार्क करने के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा एंटिटी एनोटेशन का। ओके, तो यहाँ देखिए एंटिटी यहाँ पर हमने सजेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर चेक करते हैं आई जो एंटिटी आना चाहिए जकार्ता डॉट परसिस्टेंस से आना चाहिए। ओके, ये वाली एंटिटी थी। देन इसका हम गेटर सेटर हम यूज करते हैं लैम्बो की हेल्प से। तो यहाँ पर सेटर हो गया, देन यहाँ पर हम यूज कर लेंगे गेटर, देन यहाँ पे ऑल आर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देना चाहिए, देन यहाँ पर एक हम यूज कर लेंगे नो आर कंस्ट्रक्टर। ये जो नीचे वाले चारों डिपेंडेंसी है लैम्बोक्स यहाँ पर है, देख सकते हैं इसका इंपोर्ट भी लैम्बोक्स से आया था। ओके, अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगा, इसके लिए इसको यहाँ पर यूज हम करेंगे आईडी मार्क करेंगे जकार्ता परसिस्टेंस से आना चाहिए। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू को हम यूज कर लेंगे सिंपली यहाँ से जनरेटेड वैल्यू, और इसके अंदर स्ट्रेटजी को पास कर देंगे बेसिकली हम। तो ये हमारा स्ट्रेटजी हो गया, देन यहाँ से इसको अंदर यूज करेंगे आइडेंटिटी को। तो ये हमारा एंटिटी बेसिकली डिजाइन हो गया, इसके अंदर हमने इतने सारे फील्ड डिफाइन कर दिए, टोटल हमारे 5 टाइप के यहाँ पर ये है। देन इसके बाद हम क्या काम करते हैं, एक हम रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो देन इस मेन पैकेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से राइट पे आएंगे, न्यू पे आएंगे और सिंपली यहाँ पर इंटरफेस पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, तो ये हो गया, और उसको हम रखेंगे रेपो नाम की पैकेज में। तो यहाँ पर रेपो हो गया स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, और यहाँ से हम एक्सटेंड कर लेंगे जेपीए को। ओके, तो एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी। अब इसके अंदर जो हमारा जेपीए रिपोजिटरी को हम अपने को यहाँ से एक्सटेंड करना है जेपीए रिपोजिटरी, और इसके अंदर हम क्लास को पास करेंगे। तो हमारा क्लास की एंटिटी बेसिकली स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट होगा, और उसमें आईडी हम जो टाइप दी उसका टाइप क्या हमने लॉन्ग यूज किया था, तो यहाँ पर यूज हम सिंपली कर लेंगे लॉन्ग। तो इस तरीके से हमारा रिपोजिटरी हमारे भी क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, एक सर्विस क्रिएट करते हैं, एक सर्विस पैकेट करके सिंपली। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं सिंपली। ओके, और यहाँ पे न्यू पे आते हैं और सिंपली यहाँ से हमारा क्लास को डायरेक्ट हम सभी डिफाइन कर देते हैं और उसको हम देते हैं सिंपली स्टूडेंट सर्विस, और उसको हम रखेंगे सिंपली सर्विस नाम की पैकेट पैकेज में। तो स्टूडेंट सर्विस हो गया, इस चीज को एज ए सर्विस मार्क करने के लिए हम एनोटेशन यूज कर लेंगे सर्विस। ये द ओआरजी स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टूडियो टाइप से आना चाहिए पर्टिकुलर। ओके, देन हम क्या कहेंगे, जो रिपोजिटरी भी क्रिएट किया था उसको हम ऑटो बाइड कर लेंगे। तो सिंपली कहेंगे प्राइवेट, और यहाँ पर हम यूज कर लेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी जितने भी करंट रिलेटेड ऑपरेशन है सारे को परफॉर्म करने के लिए, और इसको यहाँ पर सिंपली दे देंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी, हमने इसको मार्क कर दिया। देन इसको ऑटो बाइड कर लेते, इसका डिपेंडेंसी इसके अंदर इंजेक्ट हो जाए। ओके, अब सबसे पहले हमको स्टूडेंट रिलेटेड डाटा अपने को सेव कराना है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक मेथड लिखेंगे। जो हमारा मेथड क्या काम करेगा, वो स्टूडेंट रिलेटेड जितने भी डाटा होता है उसको सारे को सेव करा दे। ओके, तो सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे पब्लिक वॉइड और यहाँ पर लिखेंगे सेव स्टूडेंट। तो हमारा ये मेथड हो गया सेव स्टूडेंट। हम क्या चाहते हैं कि ये मेथड जो हमारा है ना, जैसे हमारा ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्ट को यूज कर लेंगे। ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट क्या काम करता है कि जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इस पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा, और इसके अंदर हम ऐसा लॉजिक लेंगे जो कि स्टूडेंट के कुछ डाटा को सेव करा दे, उसी डाटा को अपने को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एक्सेल में फ्रॉम डीबी टू एक्सेल। ओके, तो वो डाटा कैसे लिखेंगे इसके बारे में आपको मैं भी दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए हमने कुछ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को हमने क्रिएट कर लिया, कैसे किया, तो इसको मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जिसके वो प्रॉपर विजुअल हो जाए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसके होल स्क्रीन पे ये पूरा आ जाए। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को हमने सिंपली क्रिएट किया, तो यहाँ से जो पैकेज आ रहा है उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये हमारा एक क्लास स्टूडेंट है, तो इसको हम सिंपली यहाँ से सबसे पहले करते हैं इम्पोर्ट। ओके, तो कंट्रोल ऐसे पहले इसको सेव करते हैं, देन इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, जिस पर्टिकुलर पैकेज से हो, तो यहाँ देखिए जावा डॉट यूटी लिस्ट से आना चाहिए हमारा ये पर्टिकुलर लिस्ट। देन इसको सेव किए, देन यहाँ पर सिंपली क्रिएट कर दिए। ओके, देन यहाँ पर स्टूडेंट एंटिटी हो गया। ओके, अब जो हमारा स्टूडेंट में हमने जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ना, वो कंस्ट्रक्टर इस टाइप ने जो नेम और ब्रांच और कॉलेज और फीस ली, क्योंकि हम यहाँ पर आल आर कंस्ट्रक्टर दे दिया था, जो मतलब कि उसमें अंदर आईडी भी आ, लेकिन हम आईडी पास नहीं कर रहे हैं। ये क्यों, क्योंकि आईडी ऑटोमेटिक जनरेटेड वैल्यू, हम केवल ये चार वैल्यू को ही क्रिएट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर, इसलिए अपने को मैनुअल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ हम सोर्स पे आएंगे, देन यहाँ पर लिखा होगा जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। तो यहाँ से कौन कौन सा फील्ड चाहिए, एक्सपेक्ट आईडी अपने को नेम ब्रांच कॉलेज ये चारों के लिए चाहिए, इसको हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ देखिए कंस्ट्रक्टर जनरेट होएगा जिसके अंदर ये चारों के चारों फील्ड अवेलेबल है। जैसे इसको हमने सेव किया, स्टूडेंट सर्विस आएगा यहाँ से पर्टिकुलर
एरर चला गया। अभी हमने को लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मिल गया, अब अपने को क्या काम करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को सेव कराना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को कैसे सेव कराएंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट रिपोजिट्री और डॉट, यहाँ पर लिख देंगे सिंपली सेव ऑल मेथड को हम यूज कर लेंगे। तो इसके अंदर हम सिंपली लिस्ट को पास कर देंगे, तो क्या करेगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को सेव कर देगा और इन स्टूडेंट को अपने को एक्सपोर्ट कराना है। तो यहाँ पर हम पोस्ट कंस्ट्रक्ट इसलिए यूज, क्योंकि जैसे ही अपने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट हुई सारे मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल करें और ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। ओके, आप इसके अंदर हम एक मेथड लिखते हैं सर्विस का, वो क्या काम करेगा, एक्सपोर्ट कराएगा स्टूडेंट को डाटा को, जो ये डाटा यहाँ पर सेव हुआ है डीबी से फेच करके। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक और जो रिटर्न इसका करेगा वाइट एरे इनपुट स्ट्रीम करेगा। ओके, वाइट एरे इनपुट स्ट्रीम ये हम पर्टिकुलर मेथड करेगा, देन इसका हम नाम दे देंगे एक्सपोर्ट स्टूडेंट डाटा, दैट्स इट। इतना अपने को काम करा लेना है। अब यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा ये डाटा इतना सेव हो जाएगा डीबी में। ओके, यहाँ पर डीबी में, तो इस डीबी में जितने भी डाटा टेबल है उसको अपने को सबसे पहले फेच करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंपली स्टूडेंट रिपोजिट्री और यहाँ पर लिखेंगे फाइंड ऑल को हम यूज कर लेंगे, जो क्या रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को अपने को रिटर्न करके दे देगा। अब अपने को क्या काम करना है, वर्क बुक को क्रिएट करना है। ओके, सबसे पहले तो इस यहाँ पर हम सबसे यूज करेंगे वाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम को हम यूज कर लेंगे, वाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम इसको हम सिंपली यहाँ से यूज करेंगे और इसका रेफरेंस वेरिएबल हम सिंपली आउट दे देंगे इक्वल टू न्यू, वाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम हो गया हमारा। अब हम सबसे पहले यहाँ से वर्क बुक क्रिएट करेंगे। देखिए तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक्स एस एस वर्क बुक, देखिए ओ आर जी अपाचे पोइस से पर्टिकुलर हमारा ये आ रहा है जो हम डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया था, और इसका हम सिंपली नाम दे देंगे वर्क बुक इक्वल टू न्यू वर्क बुक। अभी बेसिकली वर्क बुक क्या है इसके बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन इसका हम कोडिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि एक्सेल सीट है, ये पूरा होल सीट जो है वर्क बुक हो गया। इस पर्टिकुलर वर्क बुक में मल्टीपल ऑफ सीट हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर सीट वन है, सीट टू है, अगर और भी आप सीट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर सीट क्रिएट कर सकते हैं। और जो एक सीट होता है उस सीट के अंदर ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर है ये रो हो गया और ये सेल हो गया, तब इसी रो में अपने को डाटा को इंसर्ट कराना है। ओके, तो कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। हमने सब जाना कि पूरा होल क्या हो गया, वर्क बुक हो गया। एक वर्क बुक में बहुत सारे सीट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं सीट वन टू थ्री हो गया, देन इस सीट के अंदर बहुत सारे रो होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, इसी रो सेल में अपने को डाटा को इंसर्ट करना होता है। तो कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, तो इतना हमारा ये काम हो गया, देन अब हमने वर्क बुक क्रिएट कर लिया। अब वर्क बुक में के अंदर हम क्या बोले थे कि मल्टीपल ऑफ सीट हो सकता है, तो हम एक सीट क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे वर्क बुक डॉट और एक मेथड होता है क्रिएट सीट। ओके, और सीट का हम चाहे तो नेम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए नेम क्या है सीट वन सीट टू, तो इसी तरह से कोई अपना आप नेम देना चाहते तो वो नेम भी यहाँ पर पास करते, तो मैं सिंपली यहाँ पर दे देता हूँ स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर सीट का हम नेम दे दिए। ओके, और इसको कंट्रोल से लोकल वेरिएबल में स्टोर कर, इसका रेफरेंस वेरिएबल हमने एज ए सीट दे दिया। हमने ये बोला था कि ये एक सीट है, अभी सीट में देखिए मल्टीपल ऑफ रो है, मल्टीपल ऑफ सेल है, तो हम सबसे पहले जो ये वाली जो रो है ना इसको अपने को क्रिएट करना है। तो ये रो क्या हो, जीरोथ इंडेक्स से स्टार्टिंग होता है और ये जीरोथ इंडेक्स पे ये सेल है, तो हम कैसे सबसे पहले इस रो को क्रिएट करेंगे इस पर्टिकुलर सीट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे सीट, सीट को हम यूज करेंगे और सीट, और यहाँ पर लिखेंगे सिंपली क्रिएट रो। अब जो अपने कोई रो करना था यहाँ पर इसका रो नंबर देना इंडेक्सिंग, तो हमने कहा जीरोथ इंडेक्स पे करना है, ये जो वाला पहला रो इसका जीरोथ इंडेक्स पे है, इसलिए यहाँ पर इसको यूज करेंगे जीरोथ इंडेक्स पे, और ये सिंपली यहाँ से रो नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमने इसे बोला था कि एक ये रो हो गया, अब इस रो में देखिए सेल क्या है ए बी सी डी, ये क्या है सेल हो गया। अब इस रो में अपने को सेल को क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे रो डॉट क्रिएट सेल को यूज करेंगे, सेल में अपने को भी इंडेक्स पास करने का, जीरोथ इंडेक्स पे जो सेल है उसको क्रिएट कर दो, तो सिंपली इसने क्रिएट कर दिया, ये सेल हो गया। अब ये हमारे पास ये सेल आ गया जीरोथ रोथ का जीरोथ सेल आ गया। इस पर्टिकुलर सेल में अपने को क्या डाटा फिट कर एंटर करना है वो अपने को इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम सिंपली यहाँ पर यूज हम करेंगे सेल डॉट सेट वैल्यू कर देंगे, सेट वैल्यू
सेट वैल्यू को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू को जो भी इंसर्ट करना है वो अपने को इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू सबसे पहले दे दिया आईडी, मतलब सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिखना चाहते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, पहले आईडी हमारा आ जाना चाहिए। देन हम यहाँ पर जाते हैं नेम दे दे, नेम के बाद हम चाहते हैं यहाँ से ब्रांच दे दे, ब्रांच के बाद हम चाहते हैं ऐसे करके कॉलेज दे दे, देन यहाँ से हम चाहते हैं यहाँ से फीस हो जाए। ओके तो ये देखिए मल्टीपल लाइन क्रम में थे, अब इसको चाहते हैं मेथड चेनिंग की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। ये हमारा जीरोथ फर्स्ट रो के जीरोथ इंडेक्स पे ये हो गया। अब इस चीज़ को मेथड चेनिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं, कैसे तो देखिए यहाँ पर वो मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट लाइन में करके। ओके ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, यहाँ पर सेपरेट सेपरेट लाइन में दिखाया था, लेकिन इसी चीज़ को हम सिंगल लाइन में, जो दो लाइन में यहाँ पर चीज़ उसको सिंगल लाइन में भी अचीव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे रो डॉट क्रिएट सेल, सेल का इंडेक्स क्या हो, ये जीरोथ वाला हो गया, आप वन पे अपने को करना है। देन यहाँ पर लिखना अपने को है सेट वैल्यू कर देना है। ओके और वैल्यू में अपने को कैसे उस पर आप देना है नेम, इसी तरीके से हो गया। देन इसी लाइन को अपने को कॉपी कर लेते हैं, तो कंट्रोल आल डाउन एरो को यूज करेंगे। देन यहाँ पर अपने को ये टू रो पे करना है, सेकेंड सेल करना है, देन यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे रो करना, और यहाँ पर नेम हो गया। देन अपने को यूज यहाँ से करना है ब्रांच, ब्रांच के बाद अपने को सिंपली यहाँ से देना है कॉलेज। ओके देन कॉलेज के बाद अपने को यूज करना, देन इसका इंडेक्स अपने को इंक्रीमेंट करना फोर्थ, देन यहाँ से अपने को पास कर देना है फीस। तो ये जो हमने कोड लिखा था ये एक्सेल में कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से हमने किया, पहले आईडी दे दिया, नेम दे दिया, ब्रांच दे दिया, कॉलेज दे दिया, फीस दे दिया। ओके तो इस तरीके से हमने सेम तो कुछ तरीके इस तरीके से कोडिंग कर दिया। अब अपने को क्या काम करना है, यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है इससे डाटा लेकर इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डाटा अपने को एंटर करना है, कि जैसे यहाँ पर इसका आईडी वन हो गया, नेम अपने को श्याम दे दिया, ओके ब्रांच दे दिया हमने सीएस दे दिया, ओके कोई कॉलेज नेम दे दिया, उसका करेस्पॉन्डिंग फीस है, ऐसे अब डाटा को इंसर्ट कराना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, अपने पास लिस्ट ऑफ डाटा है तो उसको हम आइट्रेट करा लेते हैं। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट है तो सिंपली हम यूज लेते हैं स्टूडेंट को हम यूज करेंगे, जो हमारा स्टूडेंट हो गया एस हमको यहाँ पर एज लेते हैं, देन कॉलन लिखते हैं और लिखते हैं, ये वाला रेफरेंस हो गया, देन इस पर्टिकुलर लूप के अंदर आते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो रो क्रिएट हुआ था जीरो इंडेक्स पर, अब नेक्स्ट जो रो क्रिएट करना है वन इंडेक्स पे क्रिएट करना है। ओके तो इसके लूप के अंदर आएगा, तो उसको हम एक वेरिएबल बाहर डिफाइन करते हैं और यहाँ पर देते हैं इंट, और उसको हम सिंपली दे देते हैं रो इंडेक्स नाम की एक वेरिएबल देते हैं, जिसकी हम वैल्यू दे देते हैं वन से इनिशियलाइज करते हैं। ओके इसको थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे करता हूँ। देन यहाँ पर अब हम क्या काम करेंगे, सिंपली यूज हम कर लेंगे सीट डॉट क्रिएट रो को यूज करेंगे। अब रो हम क्या करेंगे, रो इंडेक्स पास कर दिए, ये वंथ इंडेक्स पर रो अपने को जनरेट करके दे देगा, और यहाँ पर हम सिंपली इसको कर लेंगे। तो इसको हम क्या काम करते हैं, इस चीज़ को हम देते हैं हेड रो नाम से, इसको हम इस वेरिएबल को यूज करते हैं। तो आल्ट शिफ्ट आर दबा दीजिए। ओके तो क्या ये पूरा सेलेक्ट हो गया, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो सिंपली इसको हम यूज करते हैं हेड रो, ये पूरा पूरे चेंज हो गया। देन ये वाला जो वेरिएबल लगा इसको हम सिंपली रो कर देंगे। ओके अब इस पर्टिकुलर रो में अपने को क्या काम करना है, सेल क्रिएट करना है सेल। तो हमने आपको बोला था कि मेथड चेनिंग की हेल्प से भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, रो डॉट क्रिएट सेल, सेल का इंडेक्स क्या रहेगा हमारे पहला जीरोथ इंडेक्स पे रहेगा जीरो, और देन यहाँ पर यूज हम करेंगे सेट वैल्यू को अपने को सिंपली यूज करना है, देन वैल्यू हो गया, और वैल्यू में क्या हमारा एस डॉट गेट आई डी। ओके देन इसी लाइन को अपने को कॉपी कर लेना, कंट्रोल ऑल डाउन एरो को यूज करेंगे, अब सेल का इंडेक्स बढ़ा देंगे टू वन कर देंगे, वन पे क्या अपने को यहाँ पर है नेम देना, तो यहाँ पर सिंपली यूज हम कर लेंगे इसके अंदर गेट नेम, देन इसी को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल ऑल डाउन से, और नेक्स्ट सेल में अपने को वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर हम टू पास कर देंगे, तो हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पर ब्रांच पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली यूज कर लेंगे गेट ब्रांच को हम यूज कर लेंगे, ब्रांच आ गया, इसको डाउन कर देंगे, देन यहाँ पर थ्री लिखेंगे, और थ्री बारे में अपने को क्या कर रहे हैं कॉलेज को अपने को पास करना है, तो यहाँ पर सिंपली यूज कर लेंगे गेट कॉलेज को अपने हो गया, देन इसको कॉपी कर लेंगे, तो कंट्रोल ऑल डाउन एरो को यूज करें, तो पर्टिकुलर सेलेक्टेड लाइन को कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर फोर्थ सेल में हम क्या यूज कर रहे हैं, फीस को कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे गेट फीस को हम यूज कर लिए।
तो ये सारे जितने भी इसके पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट था, ये एक एक करके फर्स्ट रो पे क्रिएट करेगा, देन सेकंड रो पे क्रिएट होना चाहिए। फर्स्ट टाइम से करते हो फर्स्ट रो क्रिएट होगा, जब सेकंड टाइम सेकंड रो क्रिएट होगा, तो हम क्या काम करेंगे यहाँ से इंडेक्स की वैल्यू को सिंपली हम क्या काम करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आएंगे लूप के अंदर ही और लिखेंगे रो इंडेक्स को करना है प्लस प्लस, ये क्या होगा वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा। और ये कॉलम अपने को सेल जो है फिक्स है कि 0th इंडेक्स पे आईडी रहेगा, 1 पे नेम रहेगा, 2 पे ब्रांच रहेगा, 3 पे कॉलेज रहेगा, 4 पे, लेकिन रो नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो इसलिए हमने कहा इसमें मल्टीपल ऑफ डाटा इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में हो सकता है ना यहाँ पर, तो जितनी डाटा होगा उतना ये पर्टिकुलर रो को क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको लिस्ट ऑफ डाटा लिया, जितना डाटा रहेगा उतना टाइम ये रो को इंक्रीमेंट करके पूरा डाटा को फिल करा देगा। अब क्या होगा जितना भी डाटा रहेगा इस पर्टिकुलर में डाटा फिल हो गया, जितना डाटा है वहाँ तक ये फिल करके दे देगा। अब अपने को उसको राइट करना है, तो इसके लिए आप बाहर आएंगे इस पर्टिकुलर लूप से, उसके लूप से हम बाहर चले आएँ। अब हम पूरा कोडिंग यहाँ पे लिखते हैं, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्कबुक डॉट राइट मेथड को हम सिंपली यहाँ से यूज कर लेंगे। राइट के अंदर हम सिंपली आउट को हम यूज कर लेंगे, तो आउट से यहाँ पर ये हो गया। ओके, देन हम यहाँ पर करेंगे रिटर्न टाइप, इसका क्या है रिटर्न। अब यहाँ से रिटर्न टाइप ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपने को, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है, तो इसको हम कैसे रिटर्न करेंगे ये देखिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर दो न्यू ने, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यू और यहाँ लिखेंगे वाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, वाइट एरे इनपुट स्ट्रीम को हम सिंपली यहाँ से यूज करेंगे, वेट करते हैं वाइट इनपुट स्ट्रीम। ओके, अब इसके अंदर हम लिखेंगे आउट डाउट और यहाँ पर टू वाइट एरे मेथड को यूज कर दे, जो क्या काम करता है वाइट एरे में कन्वर्ट कर देता है, बस इतना अपने को कोडिंग करना है ओवरऑल। अब ये जो है यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, तो अपने को यहाँ से क्या काम करता है एक्सेप्शन को थ्रो करवाते, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन शो कर रहा है, तो आयो एक्सेप्शन यहाँ से हम सिंपली थ्रो करवा देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और कहते हैं थ्रो एक्सेप्शन कर दो, तो यहाँ पर ये थ्रो कर दिया आयो एक्सेप्शन, इतना अपने को काम करना था। तो यहाँ पर मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या मेरे पास जितने डीबी में डाटा था उस सारे डाटा को हमने फेच कर लिया, देन यहाँ पर बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम ले लिया उसका वेरिएबल, देन यहाँ से हम वर्कबुक को सिंपली यूज किया, वर्कबुक की हेल्प से हमने एक सीट क्रिएट कर ली। ओके, फर्स्ट सीट, उस सीट के अंदर सबसे पहले मैं एक रो को क्रिएट किया, उस रो के अंदर हमने सेल लिया, सेल के अंदर आईडी नेम ब्रांच कॉलेज फीस इसके अंदर कर दिया, अपने पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रहता था इसके लिए इसको हमने आइट्रेट करा दिया, आइट्रेट कराकर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि अपने को इंडेक्स 0-1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि 0 वाला हम ऑलरेडी क्रिएट यहाँ पर कर रखे हैं, और उसके अंदर देन हमें नेम ब्रांच नेम कॉलेज फीस ये सारे को हमने इंसर्ट करवा दिया, और इसकी रो की इंडेक्स को हमने इंक्रीमेंट करता रहेगा जितना नंबर ऑफ डाटा रहेगा इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में। देन यहाँ पर हमने लिखा वर्कबुक डॉट राइट, इसके अंदर राइट करवा दिया, देन यहाँ से हम रिटर्न करवा दिया वाइट एरे इनपुट स्ट्रीम को हमने सिंपली यहाँ से रिटर्न करा दिया। अब इतना अपना काम हो गया ओवरऑल। अब हम एक कंट्रोलर मेथड कॉल करते हैं और उस कंट्रोलर को हम कॉल करेंगे। ओके, और कॉल करेंगे तो अपने को रिटर्न राइट करके दे देगा एक्सेल सीट, तो उसकी अपने को कोडिंग करते हैं सबसे पहले आप कंट्रोलर मेथड की। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और ये मेन पैकेज पे, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं और सिंपली यहाँ से आते हैं क्लास पे, क्लास पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम यूज करते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर, ये हमारा कंट्रोलर हो गया, और इसके यहाँ पर सिंपली नाम दे देते हैं एज ए कंट्रोलर, इस पैकेज के अंदर रखते हैं। ये हमारा कंट्रोलर का इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए कंट्रोलर मार्क करने के लिए यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे रेस्ट कोड, इसको अभी के लिए मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पर मैं होल कोडिंग लिखूंगा। तो यहाँ से हम यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर, तो यहाँ से हम सिंपली यूज करते हैं रेस्ट कंट्रोलर, ये हमारा रेस्ट कंट्रोलर हो गया। देन यहाँ से हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग को, रिक्वेस्ट मैपिंग को यहाँ पर स्लैश स्टूडेंट हम सिंपली यहाँ से पास कर देंगे, और इसको अपने को स्मॉल लेटर में रखना पड़ेगा ना कि कैपिटल में। ओके, तो स्मॉल लेटर में कर देते हैं, ये हमारा स्मॉल लेटर हो गया, इतना अपने को काम हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट सर्विस था उसको सबसे पहले वायर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस, ये सर्विस था इसको हम वायर कर देते हैं, यहाँ से कोई यूज हम करते हैं स्टूडेंट सर्विस, और इसको यहाँ से हम ऑटो वायर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक मेथड लिखेंगे, वो मेथड क्या काम करेगा उसको हम कॉल करेंगे अपने फ्रंट एंड से या किसी ब्राउजर से कॉल कर सकते हैं, वो रिटर्न क्या करेगा अपने को एक्सेल शीट में डाटा कन्वर्ट करके दे देगा। तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे पब्लिक, और यहाँ पर यूज करेंगे हम रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर हम पास कर देंगे सिंपली वाइट एरे टाइप को ये रिटर्न करेगा। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट स्टूडेंट डाटा, ये मेथड अपने को यहाँ से रिटर्न करेगा। ओके, अब ये स्टूडेंट सर्विस पास अपने पास एक मेथड है, उस मेथड को यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पर रहेगा
स्टूडेंट, तो यहाँ से हम यूज करते हैं स्टूडेंट सर्विस, और इस मेथड का हम कॉल करेंगे एक्सपोर्ट। ओके, और ये रिटर्न अपने को कर देगा क्या, ये सबसे थ्रो करेगा आयो क्वेश्चन, क्योंकि जो सर्विस मेथड था वो भी कर रहा था, इसलिए इसको भी यहाँ से इसको हैंडल करना पड़ेगा। इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो कंट्रोल वन से, और यहाँ देखिए रिटर्न कर दिया वाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, और उसको हम सिंपली स्टोर कर लेंगे इंट स्ट्रीम में करवा लिए। ओके, अब अपने पास वाइट एरे इनपुट स्ट्रीम आ गया। अब इस चीज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सबसे पहले देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हेडर की एंड हेडर वैल्यू को हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर इसको स्ट्रिंग टाइप लेते हैं और उसको हम सिंपली देते हैं हेडर की। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखिएगा। ओके, इक्वल टू, और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे कंटेंट डिस्पोजिशन। ओके, कंटेंट डिस्पोजिशन, मैं ये अलग अलग इसलिए कर दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर हर एक चीज विजिबल रहे इसीलिए। ओके, मोर क्लियर, कंटेंट हमारा जो रहेगा वो डिस्पोजिशन टाइप के रहेगा। ओके, हेडर का की, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे स्ट्रिंग और हेडर वैल्यू और इक्वल लगा देंगे, और डबल कोट हम सिंपली पास करेंगे अटैचमेंट, और यहाँ से हम यूज करेंगे सेमी कॉलन। कुछ चीज़ का अपना ध्यान किया, बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, अटैचमेंट कॉलन देंगे देन एक स्पेस देंगे, और यहाँ से हम यूज करेंगे फाइल नेम, जो हमारा डाउनलोड होगा फाइल उसका नेम क्या रहेगा, तो उसका नेम हम सिंपली देते हैं स्टूडेंट डॉट, उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा XLSX, ये न्यू वाला जो एक्सल होता है उसका ये मतलब एक्सटेंशन होता है, तो मैंने एक्सटेंशन भी पास कर दिया कि जो हमारा फाइल डाउनलोड होगा उसका नेम स्टूडेंट डॉट XLS होना चाहिए, ये हमने पास कर दिया यहाँ पे। ओके, अब उसका हम हेडर एंड की जनरेट करें, तो उसको हेडर एंड हेडर में सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम यूज करेंगे HTTP हेडर्स को हम यूज करेंगे, ये वाली हेडर्स के, ये जो अपने दिख रहा है ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इसको अपने को इसको यूज करना है हेडर्स। तो यहाँ से हेडर्स हो गया इक्वल टू न्यू हेडर्स हो गया। अब इस हेडर्स में जो ऊपर की वैल्यू सेट किए थे उसको यहाँ से हम पास करें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हेडर्स डॉट एड हेडर की एंड वैल्यू, इसमें हेडर में की वैल्यू हमने ऐड करवा दिया, डेट्स इट, इतना अपने को यहाँ पर बस काम करना था। अब अपने को यहाँ पर रिटर्न करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइट एरे, तो यहाँ पर सिंपली इसके लिए हम क्या लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पर यूज सिंपली कर लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ से सिंपली लिखेंगे डॉट ओके। ओके हमने यहाँ से कर दिया, इसके अंदर फिर कुछ नहीं पास करना है, देन यहाँ पर लिखेंगे सिंपली डॉट हेडर्स को अपने को यूज करना है, ये वाली हेडर्स को हेडर्स, और इसके अंदर जो ये हमने हेडर क्रिएट किया इसको सिंपली यहाँ से पास कर देना है। ओके, देन यहाँ पे हम फिर अगेन डॉट लिखेंगे, और उसमें लिखेंगे हम कंटेंट टाइप की, जो हमारा कंटेंट है वो किस टाइप का वो अपने को पास करना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मीडिया टाइप, और इसके अंदर लिखेंगे डॉट एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम करके यहाँ पे देखिए आएगा एप्लीकेशन, और इसके अंडर स्कोर लगाएंगे, और ऑक्टेट स्ट्रीम जो था इसको हम सिंपली यहाँ से यूज कर लेंगे, देन यहाँ पर इसको हम न्यू लाइन में देता हूँ जिससे प्रॉपर हर एक चीज विजिबल हो। ओके, देन यहाँ पे डॉट लिखेंगे, और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे बॉडी, और ये जो हमारा ये इनपुट स्ट्रीम था इसको यहाँ से हम पास कर देंगे इनपुट स्ट्रीम। अब जो इनपुट स्ट्रीम था इसको हम कन्वर्ट कर देंगे रीड ऑल एज ए वाइट, यहाँ रीड ऑल एज ए वाइट पे हमने सिंपली कर दिया, और यहाँ से सेमी कॉलन लगाए, देन इसके लिए भी एक न्यू लाइन देता हूँ जिसके होल कोड को अपने को प्रॉपर हम दिखे, ये इसका यहाँ पर पूरा होल कोड है। अब मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर अपने वाइट एरे इनपुट स्ट्रीम ले लिए, देन हेडर के लिए यहाँ पर हमने हेडर की एंड वैल्यू ले लिए थे और सिंपली कर दे, इस चीज़ को आप एक लाइन भी पास करते थे, जहाँ पर हमने हेडर पास किया था उसके अंदर हेडर के अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यू को पास करते न्यू हेडर, इसके अंदर की वैल्यू को सेट करके आप यहाँ पर डायरेक्टली पास कर लेंगे, इसको सेपरेट लाइन कर दिखाएं जिससे आपको प्रॉपर विजुअल हो चीज़ों को, यहाँ पर ज़्यादा जिग जैग कोड ना हो जाए। देन यहाँ पर हेडर के अंदर हेडर पास कर दिया, कंटेंट टाइप मैंने एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम कर दिया, बॉडी के अंदर हमने जो हमारा इनपुट स्ट्रीम आया था उसको हम रीड ऑल एज ए वाइट कर देते, क्या होगा वाइट एरे में कन्वर्ट करके यहाँ पर दे देगा इस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम को। ओके, अब इस मेथड को जब कॉल होगा तो ये किस टाइप रहेगा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे गेट मैपिंग को, तो सिंपली यहाँ लिखते हैं गेट मैपिंग, और इसके अंदर सिंपली दे देते हैं स्लैश एक्सपोर्ट करके हम यहाँ पर दे देते हैं। ओके, इतना काम अपने को करना है। अब देखिए जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में सर्वर क्या था 909। ओके, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं,
ओके अब देखिए जैसे ही स्टार्ट ये एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सर्विस के अंदर एक मेथड हमने लिखा था। इस मेथड में क्या है, ये पोस्ट कंटेंट है। जैसे ही स्टार्ट होगा ये सारा डाटा इस पर्टिकुलर सबसे टेबल क्रिएट होगा, उस टेबल के अंदर ये सारा सारा डाटा इंसर्ट होगा। तो चलिए चीज़ को एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इसको चेक करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने रन एज ए सिंपली हम आएंगे स्प्रिंग बूट पे और हिट कर दिए और वेट करते हैं अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए। ओके तो यहाँ से सिंपली विंडो पे आते हैं, इसको वेट करते हैं, लोड ले रहा है। यहाँ से विंडो पे आते हैं शो और यहाँ से देखिए कंसोल करके होगा, इस पर क्लिक कर दिए। कंसोल यहाँ से वैसे भी आ गया तो इसको लार्ज स्क्रीन में करते हैं और यहाँ से आपको दिखाता हूँ होल चीज़। देखिए सबसे क्रिएट टेबल का एक क्वेरी चला, टेबल को इसने क्रिएट किया, अपने पास तीन रिकॉर्ड था, इस तीनों इंसर्ट यहाँ पे करवा दिया, तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो सबसे चले अपने डीबी में चेक करते क्या यहाँ से पर्टिकुलर हुआ है कि नहीं। देखिए अभी यहाँ पर एक फॉर्मर ही टेबल था लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ देखिए कि स्टूडेंट टेबल भी क्रिएट हो गया। ओके तो यहाँ से ओपन टेबल पे क्लिक करते हैं और देखिए स्टूडेंट टेबल में तीन रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ओके और तीनों रिकॉर्ड में यहाँ पर ही आ गया। अब इस जो डाटा हमारे डीबी में अवेलेबल है उसको अपने को एक्सपोर्ट करना है, इट मीन्स डाउनलोड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ से हम ब्राउजर पे आएंगे, ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से हमारा जो पोर्ट नंबर था वो बेसिकली 9090 था, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके देखिए यहाँ सबसे पहले हम दे देंगे पोर्ट नंबर, तो हमारा पोर्ट नंबर क्या था 9090 था। देन यहाँ से हम आएंगे कंट्रोलर पे, कंट्रोल पे आने के बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है स्लैश स्टूडेंट, देन यहाँ से आएंगे स्लैश स्टूडेंट हो गया। देन यहाँ से अपने बात क्या था इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने के लिए स्लैश एक्सपोर्ट को हम यूज किए थे, तो ये पर्टिकुलर मेथड अपने को यहाँ से कॉल हो रहा था स्लैश एक्सपोर्ट। यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ से एक स्लैश लगाएंगे एक्सपोर्ट और जैसे इस पर देखिए एंटर हिट करूंगा तो यहाँ देखिए एक पर्टिकुलर एक्सेल फाइल ये डाउनलोड कर लेगा। देखिए यहाँ से एक एक्सेल फाइल ये डाउनलोड होगा जिसका नाम दिया स्टूडेंट वन। तो चलिए इसको यहाँ से सिंपली ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डाटा एज इट इज जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, डिजाइन किया था, वो ऐसे ही डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ से देखिए आईडी हमने सबसे 03 इंडेक्स कॉलम पे दिया था, रो पे देखिए आईडी नेम ब्रांच फीस और ये हमारा यही डाटा तो हमारा इस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर है, सेम डाटा यहाँ से डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से आपके डीबी में कोई डाटा प्रेजेंट है उसको आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट कराना है तो आप इसको कर सकते हैं। ओके इसका कोडिंग मैं गिटहब पे भी डाल दूंगा और आने वाले अपकमिंग वीडियो में जानेंगे कि जैसे यहाँ पर ये क्या है डबल टैप है तो यहाँ पर हम इसका कैसे इसको नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं, पॉइंट आफ्टर दो डेसिमल कैसे बाय डिफॉल्ट पुट करेंगे, ये हेडर है इस हेडर को कैसे हम कलर कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और ओके कैसे हम एक्सेल से डाटा को इंपोर्ट करा सकते हैं, मीनिंग क्या है कि एक्सेल में डाटा ये ऐसे रहेगा और यहाँ से ये जो डाटा है इससे अपने को डीवी में सेव कराना है, एक्सेल से डाटा को डीवी में कैसे सेव कराएंगे, इन सब के बारे जानेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियो में। आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।